Good afternoon, students. Today we will discuss about the colligative properties. What do you mean about the colligative properties? The means of the colligative property is that property is depend on the number of the particles. That property is depend upon number of the particles is known as colligative properties. अब हम लोगों ने आज colligative property नया topic start किया था. एक बार थोड़ा सा previously हमने जो पढ़ा है उसके बारे में हम लोग discuss कर लेते हैं. कल हमने जो थे राउल्ट और हेनरी लॉ के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे जो एनसीईआरटी की बुक्स में थे. ठीक है, आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टार्ट कर रहे हैं. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से पहले जो है मुझे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को बताना था, लेकिन आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद में आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि वो अभी रह गया है. पर मिटाएंगे करेंगे, काफ़ी कंटेंट खत्म हो जाएगा. तो सबसे पहले मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की आपको डेफिनेशन बताना चाहूँगा. व्हाट डू यू मीन बाय द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? ठीक है, तो द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दैट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन दैट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन which depend on number of solute particles, जो कि solute particles के ऊपर depend करती है, solute particles के number पर depend करती है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं colligative properties are equal to the number of particle of solute. मतलब ये solute के particles के number के बराबर होती है. और यदि मान लीजिए दो substance हैं, ठीक है, दो substance हैं, यदि उनके particle same हैं तो क्या उनकी colligative property same होगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है. इस द टू सब्सटेंस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट नेवर बी इट पॉसिबल दैट दे आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर इक्वल देन वी चेक दे आर मोलिकुलर मास. तो हम ये कह सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो इन्वर्सली प्रपोर्शनल होती है मोलिकुलर मास के. सपोज करो आपके पास में दो सब्सटेंस दिए हुए हैं और दोनों सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को सेम है, तो उस कंडीशन में आप उन दोनों सब्सटेंस के मोलिकुलर मास को चेक करोगे. यदि जिस सब्सटेंस का मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, और जिस सब्सटेंस का मोलिकुलर मास कम होगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ज़्यादा होगी. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी सब्सटेंस के सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर निर्भर करती है, पार्टिकल्स की संख्या पर निर्भर करती है, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है. यदि दो सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो हम उसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिटरमिनेशन उनके मोलिकुलर मास के बेसिस पे करेंगे. जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, और जिसका मोलिकुलर मास कम होगा उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी. तो हम जो है टोटल चार प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. हमारे सिलेबस में टोटल कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी हुई है? चार प्रॉपर्टी. तो देयर आर four type of colligative property. हमारे पास में टोटल चार प्रकार की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं. कौन कौन सी हैं? सबसे पहली वाली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है RLVP. RLVP का पूरा नाम है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर. ठीक है, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे पास में है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तीसरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन
depression in freezing point. और जो चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास में, दैट इज नोन एज ऑस्मेटिक प्रेशर. तो बच्चों हमारे पास में टोटल हम इन चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे. एक तो आर एल वी पी, रिलेटिव लॉगिंग इन वेपर प्रेशर. दूसरी हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. और तीसरी हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. और चौथा हम जो पढ़ेंगे ऑस्मेटिक प्रेशर. इनको हम वन बाई वन करके पढ़ेंगे. आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर. ठीक है, तो रिलेटिव हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर एल वी पी, एलिपोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने जा रहे हैं. देखो बच्चों, आप लोगों को मैंने जब राउल्ट्स का लॉ पढ़ाया था, तो राउल्ट्स के लॉ में आप लोगों को मैंने बताया था कि हम यदि मान लो किसी कंटेनर के अंदर कोई सॉल्वेंट ले लेते हैं, किसी कंटेनर में हम कोई सॉल्वेंट लेते हैं, तो सॉल्वेंट जो होता है उसको जब तो उसके मॉलिक्यूल जो है एनर्जी गेन करके या हीट गेन करके उनके मॉलिक्यूल वेपर बनाना शुरू कर देते हैं. और वेपर बन के वो वेपर की सरफेस पर एक प्रेशर डालते हैं, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, मैं वापस रिपीट करता हूँ एक बार, कि जब किसी कंटेनर में हम सॉल्वेंट लेते हैं तो वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करके दे कन्वर्ट इनटू द वेपर. और जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो सॉल्वेंट की सरफेस के ऊपर एक प्रेशर डालते हैं, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट. अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ सोल्यूट के पार्टिकल डालता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ सोल्यूट के पार्टिकल डालता हूँ. तो जब सोल्यूट के पार्टिकल आएंगे तो वो क्या करेंगे कि सॉल्वेंट के जो वेपर बनी है उन वेपर्स के नंबर को कम करना शुरू कर देंगे. दे कवर्ड द सरफेस एरिया, सोल्यूट जो है सरफेस एरिया को कवर कर लेंगे. तो जो सॉल्वेंट के वेपर बन रहे थे वो पहले से थोड़े कम बनेंगे, और पहले से थोड़े कम बनेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा. तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो हमारे पास में ये आएगा, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. जब हम उसको सॉल्यूट में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास वेपर प्रेशर जो आता है वो किसका आता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आता है. अब आप क्या देखोगे कि हमारे पास में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आ रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, जबकि सब सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, हो गया. तो हम यहाँ देख सकते हैं व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स आर एड इन सॉल्वेंट, जब हम सॉल्यूट पार्टिकल इसके अंदर ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, देन द वेपर प्रेशर इज डिक्रीज. वेपर प्रेशर जो है इसका क्या हो जाएगा बच्चों, वेपर प्रेशर इसका डिक्रीज हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल जो है सॉल्वेंट पार्टिकल्स के वेपर मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा डिप्रेस कर देंगे, उनको जो है प्रेशर लगाने के लिए रोक देंगे, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. तो व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स आर एड इन सॉल्वेंट देन द वेपर प्रेशर इज डिक्रीज, ऐसा डिक्रीज हुआ मैंने आप लगा था. तो हम इससे एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज हायर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज हायर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ये मैंने आप लोगों को जो है राउल्ट का लॉ पढ़ाया था उस समय भी समझाया था. ठीक है, इफ वी कंसीडर दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू पी नॉट, यदि हम इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज होंगे इससे थोड़ा सा. इफ
we consider that हम कुछ ऐसा consider करें that the vapor pressure of pure solvent is equal to P naught. यदि हम pure solvent का vapor pressure हम P zero माने and the vapor pressure of solution is PS. इसका वेपर प्रेशर क्या है? PS. Then it is clear that P naught is greater than PS. कि P naught का मान जो है PS से ज़्यादा होगा. ये अभी अपन ने देखा क्योंकि प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर वेपर ज़्यादा बन रही है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा. तो सॉल्यूट पार्टिकल्स आ जाएंगे तो वेपर के सॉल्वेंट के वेपर कम होगी और कम होगी तो वेपर प्रेशर कम होगा. अब कितनी कमी होगी? दैट इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ठीक है, द डिक्रीजमेंट इन वेपर प्रेशर इज नॉन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. जो कमी होगी उसे हम क्या कहेंगे? दिस इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. अब आप देखिए कितनी कमी होगी. कमी को हम निकालने के लिए कहते हैं ज़्यादा में से कम की बात ही निकाल दें. तो ज़्यादा किसका है? सॉल्वेंट का. और P जीरो माइनस पी एस आ जाएगा. तो P जीरो माइनस पी एस इज नॉन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. P नॉट माइनस पी जीरो को हम क्या कहते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं. ठीक है, अब आप लोग देखोगे कि यदि हम कितनी कमी हुई है. ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? पी जीरो माइनस पी एस को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी भी तो लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का डिफरेंस को हम क्या कह सकते हैं? पी जीरो माइनस पी एस. नेक्स्ट अपन देखते हैं यहां तक अपना क्लियर हो गया. इफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज कंपेयर विथ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. मतलब रिलेशन निकाले कि कमी कितनी हुई. ठीक है, और शुरुआती कितना था? शुरुआती हमारा क्या था? प्योर सॉल्वेंट. और जब उसमें सॉल्यूट डाल दिया तो हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन. ठीक है, तो कमी जो हुई वो ये हुई पी जीरो माइनस पी एस. और ओरिजिनल कितना था? पी जीरो. तो पी जीरो माइनस पी एस मतलब हमने जो कमी की, जो वेपर प्रेशर में जो कमी हुई और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को कोरिलेट कर दिया, रिलेटिव कर दिया. और रिलेट करने की वजह से दैट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. कमी होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ठीक है, अब एक चीज देखो आप लोग बच्चों कि हमने शुरू में सोल्यूट का अमाउंट कम डाला था तो वेपर प्रेशर में कमी भी थोड़ी कमी होगी. जब हम सोल्यूट का अमाउंट कम रख रहे हैं तो वेपर प्रेशर जो रिलेट आर एल वी भी होगा वो भी कमी होगा. और जैसे जैसे हम सोल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता जाएगा. बिल्कुल क्लियर है. एज वेल एज वी एड द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज डिक्रीज. तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हम सोल्यूट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो हमारे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ेगा. मतलब आर एल वी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? घटेगी. ठीक है, और घटेगी तो हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि पी जीरो माइनस पी एस अपॉन पी जीरो, ये आपका आर एल वी पी है, इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द
एक्स ए, एक्स ए क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पी जीरो क्या है, पी जीरो तो है वेपर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी एस क्या है हमारे पास में, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और एक्स ए क्या है हमारे पास में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये हमारे पास में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। तो जैसे जैसे एक्स ए का अमाउंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम जो है इसको आर एल वी पी का मान भी बढ़ता जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अभी इसको हम आगे एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो एक्स ए का मान आप जानते हैं, एक्स ए